नमस्कार दोस्तों, इटर्नल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं कविता संग्रह के पॉडकास्ट पर। मेरा नाम रोहित है। दोस्तों, जीवन के पथ पर चलते हुए हम सभी कभी न कभी असफलताओं का सामना करते हैं। यह असफलता हमें न केवल हार का सामना करने की शिक्षा देती है, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखने का भी अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। असफलताओं से हमें कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में निरंतर बदलाव आता रहता है और हमें इसी बदलाव के साथ ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेप्ट द चेंजेस। यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में होने वाले अनेकों बदलावों को सरलतापूर्वक स्वीकार कर पाएंगे। मंजिल तभी मिलेगी जब हम निरंतर कर्म करते रहेंगे, और यदि ज़िंदगी में कभी असफलताओं का सामना करना भी पड़े तो हम कभी भी उस असफलताओं से निराश नहीं होंगे। यदि आप बदलाव को चुनौती और अवसर की तरह स्वीकार करें तो आपका जीवन समृद्ध जीवन बन सकता है। संघर्ष ही जीवन, एक प्रेरणादायी कविता को हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप इस कविता से जरूर शिक्षा लें। चला कदम से कदम मिलाकर जो कभी नहीं घबराया है, मंजिल उसी ने पाई है जिसने कदम बढ़ाया है। नापा गहरे सागर को जिसने, मोती उसने ही पाया है। मंथन किया जतन से जिसने, अमृत वही ले पाया है। लहरों के भय से डरा नहीं जो, नौका उसी ने पार लगाया है। तूफानों से जो डरा नहीं, वही कठिनाइयों से लड़ पाया है। स्वाद सफलता का वही चख पाया है, असफलताओं के भय से जिसने कदम नहीं डगमगाया है। जो संघर्षों से लड़ा रहा, उसने ही सब कुछ पाया है। संघर्ष ही जीवन है, मंत्र वही समझ पाया है। दोस्तों, यही मंत्र आप भी जीवन में उतारिए। असफलताओं से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। असफलताएं जीवन में हर मोड़ पे कभी न कभी आपसे टकराती रहेंगी। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमको उसके नज़दीक पहुंचने से पहले अपने आप को सचेत कर लेना है, ताकि हमारी अगली मुलाकात असफलता से नहीं, सफलता से हो पाए। आपका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उन चीज़ों को अगले पॉडकास्ट में शामिल कर सकें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।